नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 10 ऐसे कामों के बारे में जो कि हमें सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर हम लोग इन कामों को करते हैं तो ऐसा करने से हमें वास्तु दोष लगता है, जिसके कारण से हमारी खुशहाल जिंदगी भी पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद हो सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं उन 10 कामों के बारे में। नंबर 1, नाखून काटना, बाल बनवाना या फिर शेविंग करना। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग नहीं करवानी चाहिए और यहां तक कि नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और साथ ही साथ आप पर कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है। इसीलिए सूर्यास्त होने के बाद कभी भी ना ही तो नाखून काटे, ना ही बाल और ना ही शेविंग करवाएं। नंबर 2, दही का सेवन। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार भी इस बात को माना जाता है कि रात्रि को दही का सेवन करना आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं पर धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर आप लोग सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करते हैं तो ऐसा करने से आपके ग्रह नक्षत्र खराब हो सकते हैं। नंबर 3, पेड़ पौधों में पानी देना या फिर उनके पत्तों को तोड़ना। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद सभी पेड़ पौधे सो जाते हैं। इसी कारण से सूर्यास्त होने के बाद ना ही तो उनमें पानी देना चाहिए, ना ही उनके पत्तों को छूना चाहिए और ना ही उन्हें तोड़ना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस बात को भी माना जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी कपड़े नहीं धोने चाहिए। अगर आप लोग सूर्यास्त होने के बाद कपड़े धोते हैं और उन्हें बाहर सुखाते हैं तो ऐसा करने से आपके कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आप लोग इन्हीं कपड़ों को पहनेंगे तो आप लोग अपने जीवन में बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बात को भी कहा गया है कि संध्या होने के बाद कभी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो व्यक्ति को परलोक में काफ़ी कष्ट झेलने पड़ते हैं और अगले जन्म में व्यक्ति के अंगों में भी खराबी आती है। इसी कारण से कभी भी संध्या के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। नंबर 6, दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं में इस बात को भी कहा गया है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी हमें अपने घर में ना ही तो झाड़ू लगानी चाहिए और ना ही पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति के घर में गरीबी और दरिद्रता का वास हो सकता है। नंबर 7, दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और आप लोग ऐसे में अगर भोजन को खुला छोड़ते हैं तो आपके भोजन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस कारण से आप लोग अपने जीवन में रोगों का शिकार हो सकते हैं। नंबर 9, दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बात को भी कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी व्यक्ति अपने जीवन में धन हानि का सामना कर सकता है।